गाजा पर ग्लोबल वॉर की कैसी तैयारियां चल रही हैं, जिन्हें दुनिया महायुद्ध की आहट मान रही है। वॉर फ्रंट पर अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है। रूस ने अमेरिका को रोकने के लिए किस तरह का चक्रव्यूह रचा है? हमास और हिजबुल्ला इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर हमले होने लगे हैं। आखिर किसने छेड़ दी अमेरिका के खिलाफ जंग? इसराइल और हमास युद्ध के बीच ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड ड्रोन मिसाइल्स की नुमाइश करके अमेरिका को आखिर क्या मैसेज दिया? वॉर जोन में बड़े डेवलपमेंट हुए। 24 घंटे में बहुत कुछ बदला। अमेरिका रूस की अदावत और बढ़ी, इसराइल के खिलाफ और मुस्लिम मुल्क खड़े हुए, लेकिन दुनिया में महायुद्ध की मुनादी इन चार तस्वीरों से होने लगी। गाजा पर ग्लोबल वॉर हुटर इन्हीं चार तस्वीरों से बजा, लेकिन कैसे और क्यों, सिलसिलेवार तरीके से समझिए। तस्वीर नंबर एक, ईरान का पावर शो। हमास इसराइल बैटलफील्ड में है, हरकत में तो ईरान भी है। तस्वीरें तेहरान से आई। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के जनरल और कर्नल वॉर मोड में आ चुके हैं। तेहरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का मुहाना खोला, दुनिया के सामने ताकत की नुमाइश की। तेहरान का ये बारूदी जखीरा ऐसी जगह है जिसका परमाणु बम भी बाल बांका नहीं कर सकता। तस्वीर नंबर दो, तेल अवीव में यूएस का बारूद। वक्त सुबह ठीक 7:15, तेल अवीव के पास रेमन एयरपोर्ट। 1,000 टन बारूद लेकर अमेरिका का कार्गो जेट लैंड हुआ। लेजर वेपन वाले कार्टून उतरे, रॉकेट लॉन्चर, टैंक की मिसाइलें और बहुत कुछ पेंटागन से आया। तैयारी बड़ी जंग की है। ये सब क्यों हुआ, क्यों ईरान एक्टिव है, इसकी वजह ये दो तस्वीरें हैं। 7 अक्टूबर से बैटलफील्ड में अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। बड़ा मूवमेंट 15 अक्टूबर को रूस की सरहद के बिल्कुल करीब अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए, यूएसएस गेराल्ड और यूएसएस आइजनहावर। ठीक 3 दिन बाद रूस ने ब्लैक सी में केंजल मिसाइल तैनात की। रूस ने जो बारूदी चक्रव्यूह रचा, 24 घंटे में उसके रिएक्शन मिडिल ईस्ट से भी आ। तारीख 19 अक्टूबर, होती हमास का मिसाइल अटैक, यूएस एयरक्राफ्ट का डिफेंस। हमास के साथ लेबनान का टेरर ग्रुप हिजबुल्ला खड़ा है। 19 अक्टूबर को वॉर जोन से भयंकर तस्वीर आई। अब एक तीसरी जगह से इसराइल पर हमले की शुरुआत हो चुकी है। ये जगह है यमन। यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल को तबाह करने के लिए क्रूज मिसाइलें दागी, ड्रोन अटैक भी किए, लेकिन देवदूत बनकर अमेरिका के जंगी बेड़े ने हूती विद्रोहियों के इस हमले को नाकाम कर दिया। इससे चंद घंटे पहले सीरिया इराक में बड़ा बारूदी डेवलपमेंट हुआ। तारीख 19 अक्टूबर, इराक जॉर्डन बॉर्डर, अल तरफ यूएस एयरबेस। अमेरिका इसराइल के सपोर्ट में है, तो मिडिल ईस्ट में इसके साइड इफेक्ट दिखाई दिए। इराक जॉर्डन की सीमा पर बम ड्रोन अटैक हुआ, निशाना बने अमेरिकी बेस। हमले की लोकेशन थी अलजोर का कोनोको ऑयल एरिया, जिसके पास यूएस आर्मी बेस है। इराक में अमेरिका के 2 एयरबेस पर 3 ड्रोन दागे गए। सैनिकों को मामूली चोटें भी आईं, लेकिन यूएस आर्मी ने हमलावरों को खदेड़ दिया। हमला तो सीरिया में भी अमेरिकी बेस पर हुआ। लेबनानी आतंकी और ईरान समर्थक आतंकी बार बार इसराइल को चुनौती दे रहे हैं। अमेरिका की भी हालत खाड़ी देशों में खराब होने वाली है, क्योंकि इसराइल को समर्थन देना उसे महंगा पड़ सकता है। अगर ऐसी ही जंग छिड़ी रही तो अमेरिका को मजबूरन इस जंग में इसराइल के साथ उतरना होगा, क्योंकि अमेरिका भी अपने दुश्मनों को नहीं बख्शता है। तो क्या वेस्ट और मिडिल ईस्ट में बढ़ती ये नफरत महाजंग में तब्दील होगी? अगर हालात जल्द काबू में नहीं आए तो खासी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दुनिया इसी डेवलपमेंट से फिक्रमंद है।